देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे नेमावर में जघन्य हत्याकांड सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हर कोई इस घटना की निंदा करते हुए विरोध कर रहा है और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि हत्याकांड से जुड़े दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा सुनाई जाए, साथ ही CBI इस मामले की जाँच करे। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की नरसंस हत्या, यह आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल और संस्कृति से बेदखल करने का हिंदुत्ववादियों का BJP सरकार के संरक्षण में एक अमानवीय और अन्यायकारी कृत्य है। दोषियों पर तुरंत कानून के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने मृत आदिवासी परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदनाएँ जाहिर की है। साथ ही यह भी कहा है कि इस घटना से आदिवासी समाज को सीख लेना चाहिए और भाजपा को छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी हराना चाहिए। देवास जिले में आदिवासी परिवारों पर जो घटना घटी है, जो एक परिवार को मारा गया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, नेमावर जो गांव है देवास जिले का, तो वहां पर 5 लोगों को एक ही परिवार के, उस परिवार में कोई पुरुष नहीं था, महिलाएं थी और बच्चियां थी और एक बच्चा था, तो उनको मारकर जो है कोई चौहान और तिवारी ऐसे नाम आ रहे और 7-8 अभियुक्तों का जो है वो नाम आ रहा है एक्यूज्ड लोगों का, और उन लोगों को जो है 41 दिन पहले मारकर गाड़ दिया गया। क्या डिस्प्यूट था नहीं था वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, लेकिन ये जो सोच है, ये सोच मैं समझता हूँ कि ये जो जाति और वर्ण और धर्म से ग्रसित जो मानसिकता है, जो तथाकथित स्वर्ण कम्युनिटी के लोगों के अंदर में है, ये उसकी परिणति है, क्योंकि वह अवैज्ञानिक और अनैसर्गिक और अमानवीय जो है, और जो मानवाधिकार संविधान की जो बातें हैं उसको ना समझने की वजह से, जो सालों साल उनको गलत चीजें जो है वो बताई गई, उसकी वजह से आदिवासियों को वो जल, जमीन, जंगल और उनकी संस्कृति से बेदखल करने का ये प्रयास है। और ये BJP की सरकार जो है, शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार के संरक्षण में जो है वो घटना हुई है। देखिए, एक तरफ जो है भागवत जी कहते हैं कि भाई DNA पूरे पूर्वजों का DNA एक है, वो उनको कहां से संशोधन हुआ, इस पर मैं अलग एक वीडियो बोलूंगा कि इस तरह का भ्रम फैलाने का काम भागवत जी क्यों कह रहे हैं। लेकिन जो भारत के नागरिक है, जो सबसे यहाँ के पहले मूल निवासी है, जो गोंडवाना के रहवासी है, उनकी जल, जमीन, जंगल और संस्कृति को से बेदखल करने के लिए, उनको गैर आदिवासी बनाने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए कृत्य किया गया, BJP की सरकार के संरक्षण में किया गया। और आदिवासी समाज से मैं कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के कि वो इससे बिल्कुल ना डरे, मैं आपके साथ में हूं। और जिस तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमने BJP को हराया 2 स्टेट्स में, उस तरह से जो है यदि आप चाहे तो मैं मध्य प्रदेश में आकर जो है सेम तरीके से BJP को हम मध्य प्रदेश में डिफीट करेंगे, और जब BJP जो है वो डिफीट होगी तब इस तरह की घटनाएं कम होगी। गौरतलब है कि देवास जिले के नेमावर में करीब 40 दिन बाद पुलिस को एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की लाशें 15 फीट गहरे गड्ढे से बरामद हुई थी। इस मामले में परिवार की सबसे बड़ी बेटी के द्वारा शिकायत की गई थी। उनके परिवार के 5 सदस्य, जिसमें मां, 3 बेटियां और 1 पुत्र लापता है। मामले में पुलिस के द्वारा कई दिनों से जांच की जा रही थी, लेकिन घटना का कोई भी पता नहीं चल रहा था। इस पर मृतक परिवार की एक बेटी के फोन नंबर की डिटेल के आधार पर पुलिस हत्यारों तक पहुंची, जिसमें आरोपी हुकुम सिंह चौहान, सुरेंद्र चौहान और विवेक तिवारी सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हालांकि आदिवासी समाज के द्वारा इस पूरे प्रकरण में और भी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आदिवासी समाज का मानना है कि यह घटना आदिवासी परिवार की महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुराचार जैसी घटना को कारित करने के बाद की गई है। इसमें आरोपियों के द्वारा पूरे परिवार को 15 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। इसी को लेकर अब आदिवासी समाज मुखर होकर पूरे प्रदेश भर में लगातार आंदोलन कर रहा है।